दोस्तों, पेंटर्स और उनकी टॉप 10 पेंटिंग्स की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक जाने माने भारतीय चित्रकार तैयब मेहता के बारे में। वे प्रसिद्ध बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे। इस समूह में FN सौजा, SH रजा और MF हुसैन जैसे महान कलाकार भी शामिल थे। वे स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के उन चित्रकारों में से थे जो राष्ट्रवादी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के परंपरा से हटकर एक आधुनिक विधा में कार्य करना चाहते थे। 1925 में गुजरात में जन्मे तैयब मेहता के कला जीवन की शुरुआत काफी दिलचस्प रही। उन्होंने सबसे पहले फिल्मी जगत में अपनी किस्मत आजमाई, पर यह दुनिया न उन्हें ज्यादा रास आई और न ही उन्हें अपने कलात्मक तजुर्बे के लिए कोई खास मौके ही मिले। वहां से कुछ बनता न देख 1952 में उन्होंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया। कला की शिक्षा के लिए तैयब 5 साल लंदन में रहे। उन्होंने अमेरिका का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम से कला संस्कारों को नजदीक से समझने की कोशिश की। तैयब मेहता की एक पेंटिंग ने उनका खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी कृति अनटाइटल्ड काली 26.4 करोड़ रुपए में बेची गई। इसी के साथ यह अब तक की उनकी सबसे महंगी कृति बन गई है। इससे पहले उनकी अनटाइटल्ड वुमेन ऑन रिक्शा 22.99 करोड़ की कीमत के साथ सबसे महंगी कृति थी। तो आइए देखते हैं इनकी कुछ दिलचस्प पेंटिंग जिनको हमने टॉप 10 पेंटिंग की कैटेगरी में रखा है। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। मैं हूं लखन सिंह और आप देख रहे हैं लखन आर्ट गैलरी। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी काली पेंटिंग के बारे में। तैयब मेहता की यह पेंटिंग हिंदू देवी काली पर बनाई गई है, जिसे तैयब मेहता द्वारा 1997 में पेंट किया गया था। इसमें तैयब मेहता ने काली को एक विशिष्ट स्वरूप में दर्शाया है, जहां उनको गुदगुदाते हुए मुख के साथ असुरों का संहार करती हुई दिखाई गई है। इसमें प्रयोग हुए रंगों ने इस पेंटिंग को एक यूनिक लुक दिया है। तैयब मेहता द्वारा ड्रॉ किए गए चित्रों को देख हर कोई अपनी एक अलग कहानी सोच सकता है। इस पेंटिंग को एक विशेष नाटकीय स्वरूप में चित्रित किया गया है। ये इनके सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक है। इस पेंटिंग को मई 2005 में नीलामी के दौरान 26 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत पर बेचा गया था। अगली पेंटिंग है अनटाइटल्ड फॉलिंग बुल। बुल एक पावरफुल एनिमल है, जिसे तैयब मेहता ने एक विचित्र स्वरूप में चित्रित किया है। इसमें तैयब मेहता ने बुल को फ्री फॉल करते हुए दर्शाया है। इसमें प्रयोग रंगों ने पेंटिंग को रहस्यमय तरीके से प्रेजेंट किया है। इसमें बैकग्राउंड कलर येलो ने पेंटिंग के बाकी एलिमेंट्स को फोरग्राउंड पर लाकर रख दिया है। बुल को भूरे और व्हाइट कलर से एक तरह की कंपोजिशन तैयार करके बनाया गया है। बुल के पीछे कुछ विशेष एलिमेंट पेंट किए गए हैं जो पेंटिंग को विचारणीय बनाती हैं। इस पेंटिंग को फॉर्मल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स और एम्प्टी स्पेस कलर्स से डेवलप किया गया है। तैयब मेहता की इस अनटाइटल्ड कैनवस पेंटिंग, जिसमें एक फॉलिंग बुल को दर्शाया गया है, ऑक्शन में 17 करोड़ से भी ज्यादा कीमत पर बेचा गया था। अगली पेंटिंग है महिषासुरा। तैयब मेहता ने इस पेंटिंग को शांति निकेतन की यात्रा के बाद बनाया था। प्राचीन पौराणिक कथाओं और हिंदू साहित्य से प्रेरित होकर इस पेंटिंग को तैयब मेहता ने चित्रित किया, जो महिषासुर की पौराणिक कथा को याद दिलाती है। मेहता ने प्राचीन कल्पना को रूप, रंग और रेखा की सादगी के साथ फिट किया है। तैयब मेहता हमेशा से बैल को विशालकाय स्वरूप और उसकी शारीरिक क्षमता से काफी प्रेरित हुए थे, जिसको उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में एक अनोखे ढंग से उकेरा है। यह पेंटिंग ऑक्शन के दौरान 19 करोड़ से ज्यादा पर बेची गई थी। अगली पेंटिंग है दुर्गा महिषासुर मर्दिनी। तैयब मेहता हमेशा से इंडियन मॉडर्निज्म को वेस्टर्न मॉडर्निज्म के साथ मिक्स करके अपने आर्टवर्क को डेवलप करते आ रहे हैं। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी उनकी एक नोटेबल आर्टवर्क है। जब हम इस पेंटिंग पर एक नजर डालते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें आंशिक लुक में माँ दुर्गा अपने पैरों से महिषासुर राक्षस को दबाए हुए नजर आती हैं, जो कि इस पेंटिंग की सेंटर फिगर हैं। वहीं पर तैयब मेहता द्वारा प्रयोग किए गए खूबसूरत प्लेन कलर्स जैसे कि केसरिया, हरा और सफेद रंग
जो कि भारतीय नेशनल फ्लैग को भी डिनोट करती हैं। इस पेंटिंग में एक आशा है, सुरक्षा है, स्वतंत्रता है और माँ दुर्गा के प्रति आस्था है, जिसे तैयब मेहता ने बखूबी इस पेंटिंग में दर्शाया है। माँ दुर्गा को पावर और ग्लोरी का प्रतीक दर्शाया है, जहाँ पर माँ दुर्गा के कई हाथ दिखाए गए हैं जिसमें उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्य की और अच्छाई की बुराई पर जीत को कलाकार द्वारा बखूबी चित्रित किया गया है। इस पेंटिंग को ऑक्शन में 20 करोड़ से भी ज्यादा पर बेचा गया था। अब हम बात करेंगे फॉलिंग फिगर विद बर्ड के बारे में। फॉलिंग फिगर विद बर्ड जो कि भारतीय चित्रकार द्वारा बनाई गई उन पेंटिंग्स में से शामिल है जिन्हें सबसे महंगी भारतीय चित्रों में गिना जाता है। इस पेंटिंग में दर्शाया गया विषय तैयब मेहता की कुछ स्मरणीय यादों पर आधारित है, जिसे तैयब मेहता ने पुनर्जीवित किया है। यह उसकी बचपन की एक स्मृति जिसमें 1947 के खूनी विभाजन के दंगों के दौरान एक आदमी की हिंसक मौत को देख के आधार बनाकर इस पेंटिंग को चित्रित किया गया है। इसमें एक ह्यूमन फिगर को बर्ड के साथ फ्री फॉल होते हुए दर्शाया गया है और इसमें यूज किए गए सिंपल और आकर्षक कलर्स का प्रयोग चित्रकला को विशेष स्वरूप देते हैं। तैयब मेहता विशेषकर एलिमेंट्स के कंपोजिशन पर आधारित कार्य करते थे। ये पेंटिंग ऑक्शन के दौरान 9 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य पर बेची गई थी। अगली पेंटिंग है अनटाइटल फिगर ऑन रिक्शो। प्रसिद्ध भारतीय मॉडर्निस्ट पेंटर मेहता की यह अनटाइटल फिगर ऑन रिक्शो भारतीय चित्रों में सबसे महंगी पेंटिंग में से एक है। इस पेंटिंग में मेहता ने एक रिक्शा को दिखाया है और उसमें बैठा हुआ एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ किया है, जिसमें कि रिक्शा एक बंधक का संकेत और रिक्शा चालक एक बंदी के तौर पर फंसा हुआ प्रदर्शित किया है। मेहता द्वारा रिक्शा चालक की दुर्दशा और तकलीफों के बावजूद उसके जीवन यापन करने को इस पेंटिंग के द्वारा दर्शाया है। पेंटिंग को आधुनिक मनुष्य के सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चिंतन के नाटकीकरण के लिए एक रूपक मंच है, जो मेहता की इस पेंटिंग में बखूबी देखा जा सकता है। इस आइकॉनिक पेंटिंग को नीलामी में 14 करोड़ से भी ज्यादा का बेचा गया था। अगली पेंटिंग है अनटाइटल्ड वुमेन ऑन रिक्शो। तैयब मेहता को उनके द्वारा अपनी पेंटिंग में हाथ से खींची जाने वाली रिक्शा का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। यह कोलकाता का एक आम दृश्य है जहां उन्होंने अपने जीवन के कुछ साल माननीय दुखों और अस्तित्व के संघर्ष के रूप में अपनी कलाकृतियों में बिताया है। इस पेंटिंग को तैयब मेहता ने उस औरत को रिक्शा पर निर्भर रहने और रोजमर्रा के मानव जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाते हुए चित्रित किया है। यह पेंटिंग 2017 में क्रिस्टी की साउथ एशियन मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट नीलामी में 22 करोड़ से भी ज्यादा में बेची गई थी। अगली पेंटिंग की हम बात करेंगे जो कि है अनटाइटल्ड डायगोनल। इस अनोखी पेंटिंग में तैयब मेहता द्वारा दो मानवीय आकृतियों को दर्शाया गया है। यह पेंटिंग मेहता की डायगोनल सीरीज से एक पेंटिंग है, जिसकी विशेषता एक डायगोनल लाइन के चारों ओर बनाए गए रचनाओं के कारण फेस को फेमस बनाती है, जिसके दोनों तरफ की रचनाएं अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। मेहता की चित्रकला शैली उन्हें भारत के मॉडर्निस्ट कलाकारों के प्रतिष्ठित ग्रुप से अलग करती हैं। उनके द्वारा प्रयोग रंग जो कि पेंटिंग को अलग अलग खंडों में विभाजित करती है, इनकी पेंटिंग का यह अनुभव कभी कभी परेशान करने वाला और कभी कभी स्मरण बनाता है। यह पेंटिंग 2016 नीलामी में 10 करोड़ से भी ज्यादा में बेची गई थी। मेहता की अगली पेंटिंग है सेलिब्रेशन। यह पेंटिंग तैयब मेहता ने शांति निकेतन के त्रिवर्षीय उत्सव जो कि बसंत त्योहार चरक पर मनाया जाता है से प्रेरणा लेकर चित्रित किया गया है। तैयब मेहता का वास्तविक कार्य इस पेंटिंग में त्योहार जो कि जीवन के उन पहलुओं को समर्पित है जिन्हें मनुष्य सबसे साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। यह पेंटिंग उन्हीं जीवन के पहलुओं पर केंद्रित है। इस पेंटिंग में बहुत सारी महिलाएं ऐतिहासिक नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं। मेहता की विशेष आर्ट फॉर्म इस पेंटिंग के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बैकग्राउंड में यूज डिफरेंट कलर्स के रेक्टेंगुलर शेप्स पेंटिंग की ह्यूमन फिगर को फोरग्राउंड में लाकर रख देती हैं। इस पेंटिंग को 2002 में क्रिस्टी में नीलामी के दौरान 15 मिलियन इंडियन रुपी में बेचा गया था। मेहता की आखिरी पेंटिंग है जेस्चर।
1970 के दशक में मेहता ने जेस्चर नाम से पेंटिंग का एक सीक्वेंस बनाया था जिसने सभी का ध्यान उनकी कार्य की ओर आकर्षित किया। उनकी सपाट और आकर्षक रंगों ने इस पेंटिंग को आकर्षक बनाया। अलग अलग शरीर के हिस्सों को विशिष्ट रंगों से रंगकर मानो ऐसा लगता है कि यह आकृतियां एक ही शरीर से छिन्न भिन्न होकर आजाद और मुक्त होना चाहती हों। यह पेंटिंग किसी विशिष्टता के कारण लोगों को विचार करने पर मजबूर करती है, साथ ही अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।